आज का जो टॉपिक है वह हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड बात को करेंगे, उसमें क्या क्या बातें आती हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जब भी आपके सामने कोई टॉपिक आए तो पहला नंबर काम थोड़ा सा उस टॉपिक के नाम पे जरूर विचार करेंगे। तो हमारा क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ किसी से है, विद्युत से यानी चार्ज से है, और डाई का मतलब कितना होता है, दो, और पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव। यानी इतना तो हमें समझ में आया कि जिस टॉपिक के बारे में हम अभी पढ़ाई करने जा रहे हैं उस टॉपिक के पास कितने पोल होंगे, दो पोल होंगे। तो देखिए, यह डाई पोल यानी किससे रिलेटेड बात हम करने जा रहे हैं, दो पोल से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। तो थोड़ा हम लोग इसको जो है यहां फिगर के माध्यम से समझ लें। मान लीजिए यह हमारा एक पहला पोल है और यह क्या है, दूसरा पोल है। तो यह फर्स्ट पोल और यह सेकंड पोल, डाईपोल हो गया कि नहीं, और इसके दोनों पोल पे हम रखते किसको हैं, तो चार्ज को रखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ Q रखा और यहाँ भी क्या रखा, Q रखा। कहिएगा सर यहाँ पर Q1 और यहाँ Q2 क्यों नहीं दिए, यानी अलग अलग चार्ज क्यों नहीं दिए। तो देखिए, आप लोग भी इस बात का खास करके ध्यान रखेंगे, डायपोल के दोनों पोल्स पे जो चार्ज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, यानी इसका मान क्या होगा, दोनों का सेम। लेकिन एक और खास बात इसके अंदर है, इसका नेचर क्या होता है, तो नेचर होता है इसका अपोजिट। अगर यह निगेटिव नेचर का है तो यह चार्ज किस नेचर का होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। अब इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं, तो चलिए हम इसको हम इससे क्या करते हैं, मिला देते हैं, और यह डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, 2L, यानी हमारे NCERT बुक के अकॉर्डिंग यह डिस्टेंस कितना लिया गया है, 2L लिया गया है। देखिए, अब ये डिस्टेंस 2L लेने के पीछे भी एक लॉजिक है। अगर मान लीजिए हम इसका डिस्टेंस L लेते हैं तो डायपोल का जो मिड पॉइंट होगा वहां से यह लेंथ कितना हो जाएगा, L/2, और E कितना हो जाएगा, L/2। तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा लेंथी होगा, और फिजिक्स आपके हर चीज को आसान करता है। अब यहां से अगर हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं तो इसके मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस अब कितना होगा, L, और ये भी क्या होगा, L। इसके पीछे यह रीजन है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, 2L लेते हैं, अदरवाइज इसके पीछे दूसरा कोई रीजन नहीं है। तो देखिए, हम लोग थोड़ा सा जो है अब इसके कंडीशंस को देखते हैं कि डायपोल की क्या क्या शर्तें हैं। तो डायपोल की कंडीशंस, कंडीशन नंबर वन, डायपोल के पास कितने चार्ज होते हैं, दो, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम की अलग अलग, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होता है, सेम। फिर उसके बाद देखिए, इसका नेचर क्या होता है, तो दोनों चार्ज का जो नेचर होता है, डायपोल का नेचर नहीं, इस पर जो चार्ज है उसका नेचर, यह क्या होता है, अपोजिट, ये अपोजिट नेचर का होता है। और तीसरा नंबर जो है वह है इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस वेरी शॉर्ट, यह क्या होता है, वेरी शॉर्ट। अब नेक्स्ट बात, अब अगर आप में से कोई बच्चा कहे कि सर डायपोल का कैलकुलेशन होगा कि नहीं, डायपोल का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो बिल्कुल नहीं, डायपोल का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, डायपोल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको यह जान करके आश्चर्य भी होगा कि ये डायपोल यानी इलेक्ट्रिक डायपोल फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं है, तो फिर यह है क्या, तो देखिए यह एक बस नाम है। किसका नाम है, तो यह जो हमारे सामने एक सिस्टम हमने तैयार किया है, ये जो हमारे पास एक सिस्टम है, इसी सिस्टम का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इस सिस्टम का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है भाई, तो यह एक नाम है, किसका नाम है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें कितने पोल होंगे, दो, कितने चार्ज होंगे, उस दोनों पोल पर एक एक पॉइंट चार्ज होगा, और दोनों चार्ज का मान क्या होगा, तो सेम होगा, और नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिस्टेंस क्या होगा, वेरी शॉर्ट। तो इस सिस्टम का नाम हम क्या दे देंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी यह फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए ना इसका कोई फॉर्मूला होगा, ना इसका कोई यूनिट होगा, ना इसका कोई डायमेंशन होगा, ना इसका कोई कैलकुलेशन होगा, बस यह एक सिस्टम है, एक सिस्टम का बस नाम भर है। तो चलिए हम डायपोल का आप डेफिनेशन ले लेते हैं कि व्हाट इज डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का आप डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इट इज ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट charges
ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, यानी इट इज अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, मतलब यह दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों का समूह होता है, यानी इस सिस्टम का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जो है कुछ अलग बातों को करेंगे, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो है हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड ही कुछ बात को सीखेंगे। अब इसमें हमको सीखना है चार्ज ऑफ डायपोल किसको बोलेंगे, चार्ज ऑफ डायपोल, यानी अभी हम सीखने जा रहे हैं चार्ज ऑफ डायपोल क्या होता है, यानी द्विध्रुव का आवेश, द्विध्रुव का आवेश। तो चलिए, चार्ज ऑफ डायपोल यानी द्विध्रुव का आवेश हम किसको कहते हैं? तो अभी हम लोग तुरंत डायपोल के बारे में सीखे हैं कि डायपोल एक सिस्टम होता है जिस पर एक प्लस क्यू चार्ज होगा और एक माइनस क्यू होगा, यानी मान सेम होगा और नेचर अपोजिट होगा और बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 12 होगा। तो देखिए, इसमें कितने चार्ज का बात हम कर रहे हैं? दो, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, लेकिन दोनों का मान क्या है? सेम है, और नेचर क्या है? अलग अलग है। तो जब हमको इस सिस्टम यानी इस पूरे डायपोल के चार्ज का बात करेगा तो हम किसी एक चार्ज को ले लें, इसको ले लें या इसको ले लें, दोनों का वैल्यू जब सेम है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और दोनों का साइन हम लेते नहीं है चार्ज का। तो क्या हम कह सकते हैं डायपोल का चार्ज कौन सा होगा? तो हम लोग इसका डिफिनेशन देंगे, चार्ज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज ऑफ डाइपोल इज चार्ज ऑफ डायपोल। मतलब क्या हुआ भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज ऑफ डायपोल, यानी डायपोल के किसी भी चार्ज को हम लोग कह सकते हैं चार्ज ऑफ डायपोल, यानी डायपोल के दोनों चार्ज में से कोई भी चार्ज हम लेंगे, लेकिन हमको एक ही चार्ज लेना है। इसलिए कि दोनों को लेना है फिर दोनों को जोड़ दें या दोनों को घटा दें, ऐसा कुछ नहीं। कोई एक चार्ज लीजिए और उसको आप क्या बोल सकते हैं? डायपोल का आवेश, यानी हम इसको कह सकते हैं द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश को द्विध्रुव का आवेश कहते हैं। चलिए, यानी या तो हम यह क्यू ले लें या यह क्यू ले लें, हम दोनों में से कोई एक लेंगे, यह लेंगे तो फिर इसको नहीं, या हम इसको लेंगे तो फिर इसको नहीं, यानी दोनों में से किसी एक चार्ज को हम लोग डायपोल ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल कह सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा, देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ डायपोल, यानी द्विध्रुव की दूरी। देखिए, ये द्विध्रुव की दूरी हम किसको कहते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ डायपोल होगा क्या? मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू
और एक दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। कहिएगा सर क्यों ले रहे हैं, तो आपको पहले ही बता चुके हैं डायपोल एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज रहेगा ही। अब इस दोनों चार्ज को मिलाने वाला एक इमेजिनरी लाइन होगा कि नहीं, मान लीजिए इसने इसको हमने नहीं मिलाया तो क्या यह डायपोल नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। लेकिन हम मन में अपने मन में क्या कल्पना किए, क्या इमेजिन किए कि भाई इसको यह लाइन क्या किया मिला रहा होगा। तो दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाला जो इमेजिनरी लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ डायपोल। तो इसको लिख सकते हैं इट इज ए इमेजिनरी, इट इज ए इमेजिनरी लाइन बिटवीन बिटवीन बोथ चार्जेज ऑफ डाइपोल। यानी डायपोल के दोनों चार्ज के बीच का जो इमेजिनरी काल्पनिक रेखा होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ डायपोल। यानी यह द्विध्रुव के, यह द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच का काल्पनिक रेखा होता है। चलिए अब आप थोड़ा जल्दी से जो है चार्ज ऑफ डायपोल और डिस्टेंस ऑफ डायपोल का स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग जो है अब नेक्स्ट बात करेंगे। हमने जो है डायपोल का चार्ज और फिर उसके बाद हमने सीख लिया डिस्टेंस ऑफ डायपोल। अब तीसरे नंबर में हमको सीखना है एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल। एक्सिस ऑफ डायपोल का मतलब होता है द्विध्रुव का अक्ष, द्विध्रुव का अक्ष। ये द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, थोड़ा देखेंगे हम लोग ध्यान से। डायपोल एक सिस्टम है और उसको यह लाइन मिला रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं और इसको इधर बढ़ाएं, क्या यह आपके पास एक एक्सिस है कि नहीं, क्योंकि आपको एक्सिस के बारे में पहले से बताया गया है। ये कौन सा एक्सिस होता है भाई, प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये क्या होता है माइनस वाई। तो क्या आपको यह एक एक्सिस दिख रहा है कि नहीं, और इसी एक्सिस पर ना ये दो पॉइंट है और उसी दोनों पॉइंट पर ये दोनों पॉइंट चार्ज है और बीच का दूरी है। तो जिस लाइन पर ये दोनों पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ डायपोल हो उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ डायपोल, क्योंकि इसी एक्सिस पर ना यह सिस्टम ऑफ डायपोल है, यानी यह डायपोल है। तो डायपोल जिस एक्सिस पे होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ डायपोल। तो एक्सिस ऑफ डायपोल क्या होता है, तो इट इज ए लाइन ऑन विच, जिस पर, इट इज ए लाइन ऑन विच बोथ चार्ज ऑफ डाइपोल आर प्लेस्ड। यानी वह रेखा जिस पर, वह रेखा जिस पर द्विध्रुव, द्विध्रुव का आवेश आवेश स्थित हो, द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है। अब देखिए एक्सिस ऑफ डायपोल समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं इक्विटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, इक्विटोरियल लाइन ऑफ डायपोल मतलब द्विध्रुव का भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। देखिए थोड़ा इसको हम समझते हैं, इक्विटोरियल लाइन ऑफ डायपोल का हिंदी क्या है, द्विध्रुव का भूमध्य रेखा। ये आपके सामने क्या एक डायपोल है, तो भाई इसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा कि नहीं, मान लीजिए यह इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर,
जो हम लाइन लेंगे यह लाइन हमारा कहलाएगा इक्विटोरियल लाइन। यह लाइन कौन सा है? इक्विटोरियल लाइन। और इसको हमने क्या बोला था भाई? एक्सिस। ये क्या है आपका? एक्सिस है। और ये क्या है? इक्विटोरियल लाइन है। यानी डायपोल के मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन हम लेंगे उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं? इक्विटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। यानी इट इज ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इक्विटोरियल लाइन। यानी यह द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत रेखा होती है। देखिए ये सब जो अभी आप पढ़ रहे हैं, एक्सिस ऑफ डायपोल हो, इक्विटोरियल लाइन ऑफ डायपोल हो, डिस्टेंस हो, चार्ज हो, ये सब आपको आगे जो है यूज में आएगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ बात को हम लोग सीखे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जिसमें बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूमेंट। और उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क का कैलकुलेशन करते कैसे हैं। यानी इस इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वह टॉर्क कैसे कैलकुलेट होगा, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायपोल मूमेंट। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद हम लोग जो है अब इलेक्ट्रिक डायपोल का कारण जो है टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।